दिल्ली के मंडोली जेल में बंद और महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है। अपने पत्र में ठग सुकेश ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की हालिया गिरफ्तारी को लेकर कई आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उसने आप सांसद को भूतपूर्व वित्तीय मुनीम करार दिया है। वर्तमान में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र की शुरुआत ये कहकर की कि सच्चाई कायम है और केजरीवाल और उनके सहयोगी हाल ही की घटनाओं से डरे हुए हैं। उसने कहा कि सिंह की गिरफ्तारी ने केजरीवाल को बेचैन कर दिया है, उनकी चिंताओं को सबके सामने उजागर कर दिया है। महाठग सुकेश ने संकेत दिए हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स खोला गया है, इसके वादे के साथ ही सब कुछ उजागर हो जाएगा। अपने पत्र में उसने आगे लिखा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी से मैंने देखा कि आप कितने डरे हुए हैं, ये आपके चेहरे पर स्पष्ट है, पूरे देश ने इसे देखा है। आपने अपने वकील अनंत मलिक के माध्यम से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्येंद्र जैन पर अवैध गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया। सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि सत्येंद्र जैन इस समय मेडिकल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन वो सीए के कहने पर धमकियां और प्रस्ताव भेज रहे हैं। साफ है कि जैन ने अपनी अंतरिम चिकित्सा जमानत का दुरुपयोग किया है, वो अपने अवैध धन का प्रबंध करने के लिए फोन का उपयोग कर रहे हैं, गवाहों को चुप करा रहे हैं, जेल अधिकारियों के माध्यम से आपकी यानी कि सीएम की ओर से मुझे धमकियां भेजी जा रही हैं और मैं अब इस धमकी भरे कॉलों का स्क्रीनशॉट भी जारी करूंगा। ठग चंद्रशेखर ने अपने पत्र में इस बात का संकेत दिया है कि संजय सिंह के बाद पूर्व के दो और सहयोगी ग्रैंड फिनाले से पहले जाएंगे। सीएम साहब का सच भी बहुत जल्द सामने आने वाला है। पत्र में आगे कहा कि केजरीवाल या जैन की कोई भी धमकी उन्हें बेनकाब करने और उनके सहयोगियों के खिलाफ सभी सबूत देने से नहीं रोक पाएगी। मैं सभी को बेनकाब करूंगा।